अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ रीता गिरवाल। आज की वीडियो में हम सम बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमेंट की बात करेंगे। व्हाट इज़ एलिमेंट? एनी सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एटम से बना है, एक एटम से नहीं, एक ही टाइप के एटम से बना रहेगा, जिसे हम एलिमेंट कहेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एटम को डिटेल में स्टडी किया था कि एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम एलिमेंट की बात करें तो ये सभी सोडियम के एटम से बना है। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स विच ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक सिंबल। हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, हर एलिमेंट को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई फिजिकल एंड केमिकल मैथड। ईच एलिमेंट डिफर्स फ्राम एनी अदर इन वेट, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, वेट और साइज़ की बेस पर हर एलिमेंट को दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल। वट इज़ मॉलिक्यूल? टू और मोर एटम्स आर केमिकली ज्वाइंट सच एज H2 एंड O2 एट्सेट्रा। दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम O2 की बात करें तो एक ऑक्सीजन एटम ने दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, दो ऑक्सीजन एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एलिमेंट में क्या होता है कि एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं, और ये एटम्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेरिजन ऑफ आइसोटॉप, आइसोटॉन एंड आइसोबार। अगर हम इन्हें कंपेरिजन में स्टडी करें तो इन्हें समझना आसान होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट आइसोटॉप। आइसोटॉप्स आर टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स डैट हैव सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट अटोमिक मास नंबर। अगर दो या दो से ज़्यादा एटम्स या एलिमेंट्स हों तो उनका अगर सेम अटोमिक नंबर हो लेकिन अटोमिक मास नंबर डिफरेंट हो तो हम उसे आइसोटॉप्स कहेंगे। आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स डैट हैव सेम अटोमिक मास नंबर बट डिफरेंट अटोमिक नंबर। अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का अटोमिक मास नंबर सेम होगा लेकिन अटोमिक नंबर डिफरेंट होगा तो हम उसे आइसोबार कहेंगे। आइसोटॉन्स में अटोमिक नंबर भी डिफरेंट होता है और अटोमिक मास नंबर भी डिफरेंट होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने अटोमिक नंबर और अटोमिक मास नंबर को भी डिटेल में स्टडी किया था। अटोमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग अटोमिक नंबर। क्योंकि प्रोटॉन जितने किसी एटम में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो प्रोटॉन का नंबर ले लें या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर ले लें। और अटोमिक मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास अटोमिक मास नंबर आता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है आइसोटॉप्स में। हम क्लोरीन के दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अटोमिक मास नंबर एक का 35 है और दूसरे का अटोमिक मास नंबर है 37, और दोनों का अटोमिक नंबर सेम है 17। ऊपर अटोमिक मास नंबर है और नीचे अटोमिक नंबर है। दोनों का अटोमिक नंबर सेम है लेकिन अटोमिक मास नंबर डिफरेंट है, तो ये क्या है? एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है? अटोमिक मास नंबर सेम होता है और अटोमिक नंबर डिफरेंट होता है। ये हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, और तीनों का अटोमिक मास नंबर सेम है, 40 है, लेकिन अटोमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, 18, 19 एंड 20। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटॉन। सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, दोनों का अटोमिक मास नंबर भी डिफरेंट है, 30 और 31, एंड अटोमिक नंबर भी डिफरेंट है, 14 एंड 15। अब अटोमिक नंबर भी डिफरेंट है एंड अटोमिक मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? तो हमारे पास अटोमिक नंबर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आ गया 14, और 30 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो हमारे पास हमें पता लग गया अटोमिक नंबर से कि 14 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 14 है। तो हम 30 में से 14 माइनस कर देंगे और हमारे पास 16 आ जाएगा। तो सिलिकॉन के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 16 है। नेक्स्ट अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास अटोमिक नंबर क्या? 15, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 15। तो 31 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमें प्रोटॉन का नंबर तो पता चल गया है 15 है, तो हम 31 में से 15 माइनस कर देंगे, हमारे पास 16 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों के 16 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.